नमस्कार, सुरेखा स्पेशल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे विदर्भ में बनाई जाने वाली बिट्टा की रेसिपी। इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि बाटी, बाफले इत्यादि। लेकिन बिट्टा बनाकर खाने की कुछ अलग ही बात है, खास बैंगन की सब्जी और दाल के साथ। तो चलिए बनाते हैं विदर्भ स्पेशल रेसिपी बिट्टा। हमने यहाँ 3 कटोरी गेहूं का मोटा आटा लिया है। अगर आपके पास गेहूं का पीसा हुआ मोटा आटा ना हो तो आप साधा 3 कटोरी आटा लें, उसमें 3 टेबलस्पून सूजी डालें और 2 टेबलस्पून बेसन डालें। इतने आटे के लिए हम इसमें डालेंगे 1 TSP जीरा, 1 टेबलस्पून अजवाइन। इसे हाथों से अच्छे से घिस लेंगे ताकि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आए हमारे बिट्टी में। 3 TSP डालेंगे सफ़ेद तिल और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार 2 TSP। अब एक पतीले में लगभग आधी कटोरी तेल हम अच्छे से गरम करेंगे। अब जितनी आवश्यकता है उतना ही गरम तेल हम इसमें डालेंगे, पूरा नहीं डालना है। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने गरम तेल का जो मोयन आटे में डाला है एकदम परफेक्ट है, इससे ही बिट्टी अच्छी खस्ता बनेगी। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ज्यादा मोयन ना डालें, नहीं तो बिट्टी ऑयली बनेगी। अब इसमें नॉर्मल पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इस आटे को अच्छे से सख्त गूंथेंगे। आटा हमें नरम नहीं गूंथना है। अब इस आटे को सेट होने के लिए 15 मिनट ढककर रखेंगे। अब गैस पर एक बड़े से भगोने में हम लगभग 2 लीटर पानी रखेंगे। इस पर ढक्कन रखेंगे ताकि पानी में जल्दी से उबाल आए। आटा अच्छे से सेट हो गया है, अब इसे हम थोड़ा सा मस लेंगे। अब इस आटे को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब इसमें से आटे के एक हिस्से को इस तरीके से हम बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से लेयर लेकर इसे किस तरीके से बना रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा सील करेंगे। मैंने इसे रिटेंगल शेप में बनाया है, आप चाहे तो कोई भी शेप बना सकते हैं या फिर गोल भी बना सकते हैं। पानी में अच्छा उबाल आने के बाद ही हम इसमें डालेंगे 1 TSP नमक, हल्दी पाउडर 1 TSP और तेल डालेंगे 1 TSP। अब इस आटे के डो को हम उबलते हुए पानी में डालेंगे। इस पर ढक्कन रखेंगे, ढक्कन पूरा नहीं रखना है, नहीं तो पानी में उफान आएगा। गैस का फ्लेम जो है हम मीडियम रखेंगे। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है ताकि डो जो है वो तले में चिपके ना। 25 मिनट हो गए हैं। अब हम पके हुए डो को पानी में से एक थाली में निकालेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, गैस बंद कर देंगे। अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसे इस तरीके से स्लाइस में काट लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें बिट्टी को फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम से हाई रखना है। अच्छा ब्राउन कलर होने तक हम इसे पलट पलट कर फ्राई करेंगे। बिट्टी अच्छे से डार्क ब्राउन हो गई है,
अब हम इसे थोड़ा सा कलची से इस तरीके से पकड़कर एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारी मिट्टी को हमें फ्राई करना है। सारी मिट्टी को हमने फ्राई कर लिया है। अब ठंडा होने के बाद मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया और खस्ता बनी है। विदर्भ में इसे स्पेशली बैंगन की सब्जी और तुअर की दाल के साथ खाया जाता है। आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नई रेसिपी के साथ।